हेलो फ्रेंड, जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स को लाइव जोड़ लें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर सभी शेयर कर दें। क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं आप लोगों के पास। दोस्तों, कल हम लोगों ने जो लाइव क्लासेस ली थी 9 बजे, वो किसी कारण बस डिस्कनेक्ट हो गई थी। हालांकि मैंने उसमें 15 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, लेकिन फिर भी 5 क्वेश्चन रह गए थे। उन क्वेश्चनों को ही आगे बढ़ाते हुए आगे हम लोग बात करते हैं। आज की क्लासेज जो आप लोगों के सामने है, उसमें वो 5 क्वेश्चंस भी लेके चलेंगे और भी आगे हम लोग क्वेश्चंस लेके चलेंगे। दोस्तों, आप लोगों के सामने जो डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिख रहा है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सेतु प्रेरित्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, बेंस सेतु जो होता है या उसे शायद केल्विन सेतु भी कह सकते हैं। ये जो होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है वेन सेतु या केल्विन सेतु जो होता है, वो ध्यान रखना प्रेरित्व मापने के लिए यूज नहीं आता। अगर इस सेतु की बात करें या इस ब्रज की बात करें, तो ये लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। केल्विन सेतु जो यूज किया जाता है, वो थॉमसन सेतु भी बोला जाता है। ऐसे क्या बोला जाता है? थॉमसन सेतु भी बोला जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग 1 ओम से कम प्रतिरोध मापने के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लेकिन आप लोगों से जो पूछा गया है, वो प्रेरित या इंडक्टेंस मेजर करने की बात की गई है। तो इंडक्टेंस जिसके द्वारा जो मेजर किया जाता है, वे सेतु होता है हमारा मैक्सवेल सेतु। ध्यान रखना इस चीज का। क्या नाम है? मैक्सवेल। इसका मैक्सवेल सेतु का जो पूरा एग्जैक्ट नाम होता है, मैक्सवेल सेतु का जो पूरा एग्जैक्ट मान होता है, वो होता है मैक्सवेल विन सेतु। इसका पूरा नाम होता है, जो इंडक्टेंस को मेजर करने के काम आता है। किसको? इंडक्टेंस मतलब प्रेरक को मेजर करने के काम आता है। किसको माप मेजर करने के काम आता है? प्रेरत्व को इसके द्वारा मेजर किया जाता है। ध्यान रखना। तो आप लोगों से इंडक्टेंस को मेजर करने की जब बात आती है, तो आप क्या नाम दोगे? मैक्सवेल ब्रिज, जो कि हमारा प्रेरत्व को मेजर करने के काम आता है। दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोगों के सामने बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो 16वां क्वेश्चन है, वो आप लोगों के सामने आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप आंसर दीजिएगा। 16वां क्वेश्चन क्या है? छोटी लेथ मशीनों पर प्रयोग होने वाली मोटर कौन सी है? छोटी लेथ मशीनों पर प्रयोग होने वाली मशीन कौन सी है? छोटी लेथ मशीन जो होती है, उनमें आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, एक फिक्स स्पीड की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? फिक्स स्पीड या कांस्टेंट स्पीड की दोस्तों आवश्यकता होती है। ऐसी लेथ मशीन, छोटी लेथ मशीन की अगर बात की जाए, तो उन्हें एक कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है। और कांस्टेंट स्पीड दिए गए ऑप्शन में जो हम लोगों को मिलने वाली है, वो किससे मिलने वाली है? या तो यूनिवर्सल मोटर से मिलती है या डीसी शंट मोटर से। लेकिन यूनिवर्सल मोटर सामान्यतः हम लोग यूज नहीं करते हैं। ध्यान रखना, हाई स्पीड होती है लेकिन इतनी कांस्टेंट नहीं होती। बाकी का हम लोग छोटी लेथ मशीनों में जो यूज करते हैं, डीसी संट मोटर यूज करते हैं। अगर लेथ मशीनों की बात की जाए, जो कि नो लोड पर स्टार्ट होती है, किस पर होती है दोस्तों? नो लोड पर। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डीसी संट मोटर। कैसे करते हैं? डीसी संट मोटर स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्पीड क्या बनी रहती है? कॉन्स्टेंट लगभग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हमारे दोस्तों। ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है। एक विद्युत स्टेशन का आधार लोड क्या होता है? आधार लोड क्या होता है, यह सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए। लोड को हम कई भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक लोता होता है बेस लोड, एक होता है हमारा पीक लोड। दोस्तों, लोड की अगर बात की जाए तो टाइम के अकॉर्डिंग किसी भी पावर प्लांट या पावर स्टेशन की बात की जाए, तो लोड क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। कभी लोड कम होता है, कभी लोड ज़्यादा होता है। कि अगर हम लोग बात करें तो लोड वेरी होता रहता है। किसी पावर स्टेशन पर लोड क्या होता रहता है? इस तरह से वेरी होता रहता है। वह लोड जो हमेशा बना रहता है, उस लोड को बोला जाता है बेस लोड। क्या बोलते हैं दोस्तों? बेस लोड। और इसे बोलते हैं पीक लोड। क्या बोलते हैं दोस्तों? पीक लोड। वह लोड जो कुछ समय के लिए बढ़ता है, वापस से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उस लोड को दोस्तों बोला जाता है पीक लोड। क्या
क्या बोला जाता है मेरे दोस्तों, पीक लोड, ध्यान रखना। तो लोड कितने प्रकार के हुए, एक बेस लोड होता है, एक पीक लोड होता है। बेस लोड किसे कहते हैं, जो लोड हमेशा बना रहता है। पीक लोड किसे कहते हैं, जो लोड कभी कभार बढ़ता है फिर कम हो जाता है, उसे बोला जाता है क्या, पीक लोड। पीक लोड बड़ा फिर कम हो गया, बड़ा फिर कम हो गया। बेस लोड क्या होता है, जो हमेशा कॉन्स्टेंटली बना रहेगा, उसे बेस लोड कहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, 12 से 24 घंटे तक मोस्टली बेस लोड होता है, बाकी की प्रतिदिन की अगर बात करें तो 12 घंटे से और 24 घंटे के बीच में बेस लोड होता है। और पीक लोड जो होता है वो कभी कभार बढ़ता है, बाकी का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान रखना, बेस लोड हमेशा 12 से 24 घंटे प्रतिदिन होगा। कितना होगा, 12 से 24 घंटे। ये बेस लोड जो होता है 12 से 24 आवर पर डे बना रहता है, 12 से 24 आवर या 24 आवर पर डे अप्रोक्सीमेटली बना रहेगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हमारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, तीन फेज प्रेरण मोटर के वोल्टेज और एम्पियर की रेटिंग दी जाती है, किस तरह से दी जाती है। थ्री फेज प्रणाली के, थ्री फेज प्रणाली के वोल्टेज और एम्पियर की रेटिंग दी जाती है, किस प्रकार से दी जाती है। दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं इस चीज़ को, थ्री फेज के अंदर वोल्टेज और करंट की जो रेटिंग दी जाती है वो दी जाती है अंडर रूट थ्री बी एल इंटू आई एल। कैसे दी जाती है, अंडर रूट थ्री वी एल इंटू आई एल। ध्यान रखना, कैसे दी जाती है, अंडर रूट थ्री वी एल इंटू आई एल। यही क्या होती है, इसके अंदर मोस्टली पावर भी होती है। ध्यान रखना, क्या होती है, पावर। रेटिंग का मतलब होता है उसकी पावर जो दी जाएगी वो किस में दी जाएगी, अंडर रूट थ्री। इतनी पावर होती है थ्री फेज प्रणाली के अंदर, अंडर रूट थ्री वी एल इंटू, बी एल मतलब लाइन वोल्टेज लाइन करंट का रूट थ्री टाइम्स रहता है। ध्यान रखना, ये हमारी होती है क्या, थ्री फेज मोटर के अंदर वोल्टेज और एम्पियर की रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है, जिसमें आप लोगों के सामने बताया गया है, क्या बताया गया है, सोल्डर किस धातु का बना होता है, सोल्डर किस धातु का बना होता है। एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, सोल्डरिंग जो की जाती है किसी एक ही मटेरियल की नहीं की जाती, अलग अलग पदार्थों की सोल्डरिंग की जाती है, जिसमें टिन और लेड का मिश्रण सामान्यतः देखा जाए। तो जिस धातु को सोल्डरिंग की जा रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी मात्रा लेते हैं, बाकी का बेसिकली अगर बात करें हम लोग तो 60-40 का रेशो इसमें लिया जाता है। बाकी का जो होता है टिन और लेड का हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पर, किसका प्रयोग करते हैं, टिन और लेड का, टिन प्लस लेड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टिन और लेड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, टिन और लेड का हम लोग सोल्डरिंग के लिए यूज करते हैं, जिसे हम सोल्डर कहते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किस में होता है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत निम्नलिखित में से कितना होता, किस में होता है। फटाफट आंसर दीजिएगा, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में होता है दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिएगा, आंसर आना चाहिए आप लोगों का। आंसर फटाफट,
दोस्तों आप लोगों का आंसर आया। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे जो कम मात्रा होती है कार्बन की वो होती है स्टील के अंदर। किसके अंदर होती है? स्टील के अंदर कार्बन की मात्रा होती है वो 1% से 2% होती है। जो हाई कार्बन स्टील होगी या कैसी स्टील है उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। कार्बन की जो मात्रा रहती है 1 से 2% रहती है स्टील के अंदर। तो सबसे कम जो मात्रा रहती है स्टील या इस्पात के अंदर कार्बन की मात्रा होती है। अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है जिसको हम लोग बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रतिरोध वेल्डिंग के समय जोड़ों पर उत्पन्न ऊष्मा किसके अनुक्रमानुपाती होती है या किसके समानुपाती होती है? हीट जो होती है, हीट का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। हीट कितना होता है? आप लोग अगर जवाब दोगे तो बेटर रहेगा। का आंसर आना चाहिए फटाफट। आंसर आप लोगों को आना चाहिए किसके होता है। हाँ 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 फटाफट आंसर आना चाहिए आप लोगों का। हीट की जो, ध्यान रखना, हीट किसके समानुपाती होगा? एच बराबर आपको अच्छी तरह से पता है आई स्क्वायर आर टी अपॉन जे होता है। क्या होता है हीट का फॉर्मूला? आई स्क्वायर कैलोरी में इसे मेजर किया जाता है। किस में मेजर करते हैं दोस्तों? कैलोरी में मेजर करते हैं। हीट बराबर आई स्क्वायर, यहाँ आर के समानुपाती होती है। ध्यान रखना किसके समानुपाती होती है? आई स्क्वायर आर के समानुपाती होती है। आई स्क्वायर क्या होता है? पावर। पावर, ये पावर है और पावर को समय से गुणा कर दिया जाए तो क्या आ जाएगी? ऊर्जा। क्या आ जाएगी? ऊर्जा। तो हीट भी एक प्रकार की क्या होती है मेरे दोस्तों? ऊर्जा ही होती है। हीट भी मेरे दोस्तों क्या होती है? एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है। यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो प्रतिबाधा का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इम्पीडेंस जो होगा वो कितना होगा? प्रतिबाधा जेड। बताइए, फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो प्रतिबाधा का इम्पीडेंस क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताइएगा। देखो दोस्तों, बेसिकली अगर हम डायरेक्टली बात करें तो कॉइल की लंबाई के ऊपर भी डिपेंड करता है, कॉइल के फेरों की संख्या के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप लोग किसी कॉइल के अंदर फेरों की संख्या बढ़ा दोगे तो उसके अंदर एक्सएल भी बढ़ेगा। एक्सएल क्यों बढ़ेगा? 2πfL होता है। इंडक्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा। एक्सएल बढ़ेगा तो आपको पता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होता है, तो एक्सएल बढ़ेगा तो जेड भी बढ़ेगा। और भी ध्यान रखना, अगर फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो लंबाई भी इसकी इंक्रीज होगी, जिससे भी हमारा क्या होता है? इम्पिडेंस क्या होता है? बढ़ता है। इम्पिडेंस मतलब प्रतिबाधा। दोनों तरीके से मैंने बता दिया, अगर फेरों की संख्या बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, कॉइल की लंबाई बढ़ती है, कॉइल की लंबाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है तो जो भी जेड का मान क्या होता है? इंक्रीज होता है। कॉइल की फेरों की संख्या बढ़ाएंगे तो वायर की लंबाई बढ़ेगी। दूसरी बात क्या है? इसके अंदर इंडक्टेंस का गुण भी बढ़ेगा। इंडक्टेंस का गुण बढ़ेगा तो इसके अंदर एक्सेल बढ़ेगा। एक्सेल बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है जेड भी बढ़ेगा। तो अगर किसी कॉइल के अंदर लंबाई बढ़ाई या उसके अंदर टर्न्स की संख्या बढ़ा दी जाए तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि उसके अंदर हमारा लंबाई भी बढ़ेगी, जिससे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, इंडक्टेंस भी बढ़ता है तो एक्सेल भी बढ़ता है, जिससे जेड की वैल्यू भी क्या हो जाती है दोस्तों? इंक्रीज हो जाती है। जेड की वैल्यू भी क्या हो जाती है? जिससे बढ़ जाती है। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत, किसी को समस्या हो तो बोल सकता है दोस्तों। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के डिस्प्ले पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्रतिरोध के मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उच्च उपकरण किसके लिए किया जाता है दोस्तों? उच्च प्रतिरोध जो मापते हैं, सबको पता है मेगर, एक ऐसा मेगर जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेगर जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें रेजिस्टेंस को मेगा ओम में मापते हैं। किस में मापते हैं? मेगा ओम में रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। मेगा ओम में रेजिस्टेंस को मापा जाता है। ध्यान रखना, मेगा ओम में रेजिस्टेंस, किलो ओम या मेगा ओम में हम मेगर द्वारा रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ध्यान रखना आप लोगों के सामने
ये जो क्वेश्चन आप लोगों को सामने दे रखा है उसका आंसर होगा मेगर ब्रिज। क्या होगा? मेगर ब्रिज। केल्विन ब्रिज की अगर बात करें तो लोड रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आप लोगों को अच्छी तरह से पता है व्हीटस्टोन ब्रिज है, वो कोई भी अज्ञात रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ध्यान रखना। तो हमारा मेगर जो होता है वो मेगर क्या करेगा, हमारा हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। एक क्लास ले लेंगे इन ब्रिजों की, जिसमें कौन कौन सा ब्रिज कौन कौन सी रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के सामने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मिक्सी में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है, मिक्सी में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है, फटाफट आंसर दीजिएगा। मिक्सी में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है, ध्यान रखना। मिक्सी क्या होती है? मिक्सी हाई स्पीड से घूमने वाली होती है और बहुत डायरेक्शन में घूम सकती है, तो इसलिए हम लोग मिक्सी में बेसिकली देखा जाए तो यूनिवर्सल मोटर यूज करते हैं। कौन सी मोटर यूज करते हैं? यूनिवर्सल मोटर हम लोग मिक्सी के अंदर यूज करते हैं। मिक्सी के अंदर दोस्तों जो मोटर यूज की जाती है वो हमारी कौन सी होती है? यूनिवर्सल मोटर होती है, ध्यान रखना। कौन सी मोटर होती है दोस्तों? यूनिवर्सल मोटर हम लोग मिक्सी के अंदर बेसिकली यूज करते हैं। मिक्सी के अंदर जो मोटर यूज की जाएगी वो कौन सी की जाएगी दोस्तों? यूनिवर्सल मोटर यूज की जाएगी, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर कैसी होती है आपको अच्छी तरह से पता है। यूनिवर्सल मोटर एक डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। कैसी होती है? डीसी सीरीज मोटर के समान होती है। इसके अंदर ये हमारी सीरीज मेन वाइंडिंग होती है, एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं। अब यूनिवर्सल मोटर एसी और डीसी किसी पर भी चलाओ समान दक्षता के साथ चलती है। यूनिवर्सल मोटर के अंदर जैसे डीसी सीरीज मोटर की संरचना होती है इसी तरह से इसकी भी संरचना होती है। इसका हाई टॉर्क होता है एंड हाई भी स्पीड होती है, हाई स्पीड से घूमती है, ध्यान रखना, एंड हाई टॉर्क होता है। क्या होता है? हाई टॉर्क होता है। यूनिवर्सल मोटर का क्या होता है? स्पीड भी हाई होती है। बेसिकली हम लोग रेल इंजनों में भी इसका प्रयोग करते हैं, रेल इंजनों में भी इनका प्रयोग करते हैं, ये रेल इंजनों में भी इनका प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक रेल इंजन, जहाँ पर 2200 HP तक की यूनिवर्सल मोटरों का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। ऐसा होता नहीं है, बेसिकली हम लोग रेलवे एक्शन या ट्रैक्शन सिस्टम में या तो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं या डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? जहाँ पर हाई स्पीड की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम लोग, और जहाँ पर हम लोगों को बार बार स्पीड को चेंज करना होता है या डायरेक्शन चेंज करनी होती है, तो हमारा सबसे अच्छी मोटर कौन सी है? यूनिवर्सल मोटर। मैक्सी हुआ, ग्राइंडर हुआ, इनमें हम लोग हेयर ड्रायर हुआ, इसमें हम लोग मोस्टली अगर बात करते हैं तो कौन सी मोटर यूज करते हैं? यूनिवर्सल मोटर ही हमारे दोस्तों यूज की जाती है। मिक्सी, ग्राइंडर, हेयर ड्रायर, इनके अंदर सामान्यतः कौन सी मोटर यूज करते हैं? हम लोग यही यूज करते हैं। अगला आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है 25, हालांकि 26 लिख रखा है, 25 नंबर क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रखा है वो क्या दे रखा है? अर्थ रेजिस्टेंस घरेलू परिपथों में कितना होता है दोस्तों? घरेलू परिपथ मैं सभी की बता देता हूँ। अर्थ रेजिस्टेंस बड़े जो स्थापनी होती हैं, बड़े पावर स्टेशन या बड़े स्थापनाओं में जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है वो 0.5 ओम होता है। कितने होता है दोस्तों? 0.5। मेजर पावर स्टेशन जो होते हैं, मेजर पावर स्टेशन मतलब कि 33 KV है, 11 KV, उन पर लगभग कितना होता है? 1 ओम। कितना होता है दोस्तों? 1 ओम। और छोटे पावर स्टेशन जो होते हैं 11 KV 440 वोल्ट के लिए, छोटे पावर स्टेशनों पर होता है 2 ओम। अन्य सभी स्थानों की अगर बात करें तो कितना होगा? 8 ओम, लगभग 8 ओम। तो घरेलू स्थापना जो होती हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा हमारा करंट लीकेज करंट ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पर अर्थ रेजिस्टेंस का मान कितना होता है लगभग? दोस्तों कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे यहाँ पर। घरेलू अनुप्रयोग के लिए बाइंडिंग का ग्राउंडिंग का प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन के ऑप्शन पता नहीं कैसे इसमें चेंज हो गए हैं। फिर भी आंसर मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ, हालांकि जो वहाँ सही थे यार, ये कैसे आंसर चेंज हो गया ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। चलो कोई बात नहीं,
मिस्टेक हो गई है, बाकी का फिर भी मैं आपको बता दिया, सामने एक्सप्लेन कर दिया मैंने सभी। आप कुछ बड़ी स्थापनाओं के अंदर 5 ओम होता है अर्थ रेजिस्टेंस, छोटी स्थापनाओं के लिए अगर बात करें तो कितना होता है, 1 ओम होता है। छोटे पावर प्लांट्स की अगर बात करें तो 2 ओम होता है। अन्य सभी स्थानों की बात करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 8 ओम होगा अर्थ रेजिस्टेंस का मान। अर्थिंग, अर्थिंग का रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। अच्छी अर्थिंग के लिए क्या करते हैं, आपको पता है अर्थ इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड या तो GI वायर होता है या GI प्लेट होती है, ये अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है। अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाएगा और इसमें जो वायर होता है इसे बोलते हैं अर्थ वायर। क्या कहते हैं, अर्थ वायर, ध्यान रखो। अर्थ इलेक्ट्रोड ये क्या होता है, हमारा अर्थ वायर होता है दोस्तों। अर्थ वायर, यहाँ पर हम लोगों ने अर्थ वायर लगाया, ये हमारा क्या अर्थ इलेक्ट्रोड है। तो ध्यान रखना, ज़्यादातर अगर अर्थ इलेक्ट्रोड और अर्थ वायर दोनों एक ही पदार्थ का होगा तो अर्थ का रेजिस्टेंस लो होगा, नहीं तो यहाँ पर अगर अलग अलग का होगा तो अर्थ रेजिस्टेंस डिफरेंस आ जाएगा, जिससे पोटेंशियल, ध्यान रखना अर्थ का पोटेंशियल जो होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। आपसे इस तरह के अगर सवाल पूछ ले जाते हैं अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है तो आप क्या लिखोगे, शून्य होता है दोस्तों। कितना होता है, शून्य होता है। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, शून्य। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है तो आप क्या नाम दोगे, शून्य दोगे। समझ रहे हैं मेरी बात, आपसे कभी भी पूछ लिया जाए अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, शून्य होता है। हैं, पोटेंशियल शून्य होने से ही, अर्थ का पोटेंशियल शून्य होने से ही ध्यान रखना पूरी करंट क्या हो जाती है, लीकेज हो जाती है। अगर अर्थ का पोटेंशियल रहेगा तो अर्थिंग में झटका लगने की का संभावना रहेगी। छोटी स्थापनाओं में पाइप अर्थिंग करते हैं और बड़ी स्थापनाओं में प्लेट अर्थिंग करते हैं। छोटी स्थापनाओं में पाइप अर्थिंग की जाती है, जबकि बड़ी स्थापनाओं की बात करें तो वहाँ पर कौन सी अर्थिंग की जाती है, प्लेट अर्थिंग दोस्तों की जाती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है अर्थिंग के बारे में, हम लोग आगे बात कर लेंगे, फ्यूज हुआ, अर्थिंग हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे ही टॉपिक अभी आप लोगों के सामने लेके चलेंगे, क्योंकि आजकल मैंने देखा है जो एग्जामिनेशन होती है आप लोगों के सामने, तो उन एग्जामिनेशनों में ये सबसे बड़ी देखने वाली बातें आई है कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं जो स्थापनाओं से रिलेटेड होते हैं, अर्थात ऐसी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं जिन जो कि जिनको हम लोग छोड़ देते हैं, जैसे फ्यूज हुआ, अर्थिंग हुआ, सर्किट ब्रेकर हुआ, हैं, इल्यूमिनेशन हुआ, या फिर ये जो टॉपिक्स हैं, या हमारा वायरिंग हुआ, वाइंडिंग हुआ, इस तरह के टॉपिक्स के अंदर से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, और मोस्टली क्या है, स्टूडेंट इस तरह के टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, फिर भी हम लोगों को ध्यान देना है हर टॉपिक को, क्योंकि जो पिछले एग्जामिनेशन हुई हैं, पिछले एग्जामिनेशनों की अगर बात की जाए तो पिछले एग्जामिनेशनों में हम लोगों ने जो चीज़ देखी है वो ये देखी है कि क्वेश्चन कहीं से उठ के किस तरह से भी आ जाता है, और इस तरह से जब क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ भी नहीं सकते और क्वेश्चन को कर भी नहीं सकते, और करके आते हैं तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव में चला जाता है बच्चा। ध्यान रखना दोस्तों, यही सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि बच्चा अगर करके आया क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन अगर वो गलत हो गया ना क्वेश्चन, तो जो सही होगा उसमें से भी मार्क को काट के ले जाएगा, और इसी की वजह से मोस्टली बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसी भी वजह से मोस्टली बच्चों का सिलेक्शन क्या होता है, नहीं हो पाता है। समझ रहे हैं मेरी बात, बाकी का आप भी पॉजिटिव रहिए, भी पॉजिटिव रहिए। 2 दिन के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो आप लोगों को डाल के जा रहा हूँ, थोड़ा सा, समझ रहे हैं मेरी बात, रिकॉर्ड करके, और ये 2 दिन रिकॉर्ड रहेगी आप लोगों को, इसके बाद 11 तारीख से वापस से लाइव आएंगे हम लोग शाम। बाकी का कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको कल भी बताया था रीजन, तो रिकॉर्डेड मैंने अभी 10 क्वेश्चंस इसलिए इस वीडियो में लिए हैं, और 2 दिन आप लोगों की क्लासेज रहेगी, वो रिकॉर्डेड ही मैं डाल के जा रहा हूँ कुछ पे, तो उन क्लासेजों को आप लेते रहिएगा, समझ रहे हैं। बाकी का फिर हम लोग 11 तारीख से वापस से आप लोगों का लाइव क्लासेज स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।